फरवरी मार्च में लगने वाली सब्जियां कौन सी हैं, इन बीजों को लगाने का एक खास तरीका है। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग। वीडियो शुरू करते हैं। आप सब दोस्त कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर के अंदर गार्डनिंग कर रहे होंगे, अपना शौक पूरा कर रहे होंगे और कुछ सब्जियाँ छोटी मोटी सी हार्वेस्ट करके कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर कर रहे होंगे किचन के अंदर। क्योंकि तनवीर भाई को आपके साथ बातें करते हुए 6 साल हो चुके हैं, तो आप भी खुश होंगे। इन 6 साल के अंदर मैंने कोई टू द पॉइंट वीडियो बनाता रहा हूँ। आप सब दोस्तों को पता होगा, आया और वीडियो बनाई और इन्फॉर्मेशन दी और वो गया। लेकिन मुझे एक बात रियलाइज होना शुरू हो रही है कि कभी मैंने आप लोगों का सही तरीके से हाल चाल नहीं पूछा, कभी हेलो हाई नहीं किया। आज के बाद इंशाल्लाह भाई आपसे हाल अहवाल भी पूछेगा और अपना भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर किया करूंगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा आपके भाई की सेहत भी अच्छी रहे और मेरी दुआ है कि आप सब दोस्तों की सेहत अच्छी रहे। यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि अनाउंसमेंट एक्सपो 2023 लगी थी, जो कि हमारी खादों के ऊपर और सब्जियों के ऊपर लगी थी लाहौर के अंदर। उसमें से मैंने कुछ वीडियो उनकी आकर बना के लेके आया हूँ आप सब दोस्तों के लिए, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपने इनमें से एक वीडियो एक्सपो की देख ली होगी, जो सब्जियों के बीजों के ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। इसी तरह की मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो और भी वहाँ से शूट की थी, वो सब वीडियोस आप दोस्तों के लिए ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों का उन वीडियोस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्यार आएगा और इस वीडियो के ऊपर भी ज़्यादा प्यार आएगा, तो बातें बहुत होगी। क्योंकि अक्सर हमारे व्यूवर्स नाराज़ हो जाते हैं कि बातें बहुत होनी शुरू हो जाती हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले हम भिंडी के ऊपर आते हैं, लेडी फिंगर ओकरा के ऊपर। लें जी, आज तीनों नाम बताएंगे, जिस चीज़ का जो नाम है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लें जी, ये हमारी भिंडी है, लेडी फिंगर ओकरा। इसके बीज, ये हाइब्रिड बीज है मेरे पास, इसको आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास है टमाटो के बीज, ये भी हाइब्रिड है लेकिन ये झाड़ी वाला टमाटो है। ये हमारे पास ये वाले जो बीज हैं, ये डिटर्मिनेट हैं। डिटर्मिनेट वो वाले बीज होते हैं जो हाइब्रिड नहीं होते, देसी होते हैं और जिनकी झाड़ियां वगैरह बनती हैं, तो ये वो है। इसके साथ हमारे पास है क्यूकम्बर के सीड्स और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली के, ये स्वीट पेपर के शायद बीज हैं जी। ये हमारे पास स्वीट पेपर के सीड्स हैं। यहाँ पे आ जाए बिटर गोर्ड के सीड्स हैं, मतलब बिटर गोर्ड मतलब करेले, ये करेले के बीज हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कौन से वाले बीज हैं जी, ये वाटरमेलन के हैं, ये वाटरमेलन के हैं। साथ स्क्वैश के बीज हैं, जिसको लंबा कद्दू, माड़ा कद्दू, इस तरह का इसका नाम है, जो चपनी टिंडे की फैमिली में, टिंडे की फैमिली में ये स्क्वैश जो हमारी आती है, ये वो उसके बीज हैं। यहाँ पे काली तोरी के बीज हैं और ऊपर आ जाए ये देसी टिंडे, देसी टिंडे के बीज मेरे पास आ गए। यहाँ पे हमारे पास हॉट पेपर आ गई, मतलब सब्ज मिर्च आ गई, और यहाँ पे आ गया हमारे पास मुश्क मेलन, मतलब खरबूजा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया बोटल गोर्ड, मतलब लंबे कद्दू। ये हमारे लंबे कद्दू हो गए। ये 13 किस्म के बीज थे, इनमें से एक पैकेट, ये बार बार ना ब्रिंजल का पैकेट उड़ के हवा से इधर जा रहा है, बेचारे के अंदर है ही बीज, बिल्कुल कम से बीज है। अच्छा जी, बीज मिलेंगे कहाँ से? आपको बीज आम दराज से मिल जाते हैं इजीली। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, आप सर्च करेंगे, बीज ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है, बहुत ही ईजी काम है। बहुत सारी वेबसाइट है, अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आप अमेजोन से इजिली इन बीजों को ले सकते हैं। इसके अलावा भाई का एक जुगाड़ वाला सिस्टम ये होता है कि आपको समझाने के लिए कि वेजिटेबल मंडी तो हर सिटी के करीब होती है, तो वेजिटेबल मंडी के अंदर जाएं, आंखें बंद करके वहां पे जाएं, आप किसी से भी पूछें सब्जियों के बीज खरीदने हैं, वो आप सब्जियों के बीजों वाली दुकान पे पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप ये बीज ले सकते हैं। मैंने बीज ये कहां से लिए हैं? मैंने लिए सीकेडी वालों से। सीकेडी मतलब चौधरी खैर दीन सन्स, सीकेडी का मतलब चौधरी खैर दीन एंड सन्स। ये इनकी जो दुकान है, इनकी दुकान है गुजरांवाले के अंदर, गुजरांवाला जो शेख पूरा अड्डा है गुजरा वाले शहर के अंदर, जो शेखुपुरा रोड है वो अड्डे के करीब ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, उस पे दुकानें हैं बहुत सारी वेजिटेबल सीड्स की, ये आपको वहां से मिल जाएंगे अगर आप मेरी वीडियो गुजरा वाले से देख रहे हैं तो। इसके अलावा आप किसी भी मंडी के अंदर से जाकर इजीली बीज खरीद सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है बीज खरीदना। और इनका खास तरीका क्या है इनको लगाने का? क्योंकि आपको पता है आज जनवरी की 30 तारीख है, तो अभी रात के टाइम औसत गिरती है,
कोहरा गिरता है, धुंध जो पड़ती है, तो उसकी वजह से जब हम सीडलिंग करते हैं रात के टाइम, ऊपर गिरने की वजह से हमारे बीज मट्टी के अंदर ही गलना शुरू हो जाते हैं और उनका जो जर्मिनेशन रेट है वो 1% रह जाता है, 100% में से 1% कुछ भी नहीं, और बीज हम खराब कर लेते हैं। ये सारे के सारे बीज जो आप लगाएंगे, जिस भी फ्लावर पॉट के अंदर आप पनीरी तैयार करेंगे, उस फ्लावर पॉट को आपने प्लास्टिक पेपर से लाजमी कवर करना है। ये जो शॉपिंग बैग होते हैं प्लास्टिक वाले, ये बस एक फ्लावर पॉट के ऊपर चढ़ा दें, आपका बन गया ग्रीन हाउस टाइप टनल बन गया। दिन के टाइम जब दिन चढ़े सूर्य निकला हो तो आप शापर को पीछे कर दें, रात को शाम से पहले पहले उसको कवर कर दें, तो इंशाल्लाह आपके जो ये सीडों की जर्मिनेशन है 12 से 15 दिन के अंदर आपके गमलों के अंदर पनीरी उगना शुरू हो जाएगी और 1 माह लगता है किसी भी पनीरी को तैयार होते हुए। इनमें से डायरेक्ट आप किसको लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं भिंडी को, पनीरी भी तैयार कर सकते हैं आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्क्वैश आ गया, इसको भी आप पनीरी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन पनीरी बनाए गए हैं तो मट्टी समेत आपने पनीरी को ट्रांसफर करना है। अगर सीडिंग ट्रे में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, आपको मट्टी झाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक एक क्यूब पकड़ के बड़ी बड़ी जगह पे लगाते जाएं। ये हमारे पास खरबूजा आ गया, इसको भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये को भी डायरेक्ट लगाया जाता है, आप इनकी पनीरी तैयार कर सकते हैं। टमाटो की आप पनीरी तैयार करेंगे, इसके अलावा आप किसकी पनीरी तैयार करेंगे, मिर्चों की पनीरी तैयार करेंगे, ये टमाटो की मिर्चों की पनीरी और बाकी ये ब्रिंजल की पनीरी, और जितने इधर हमारे पास ये वाले सीड्स हैं ये सबको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और पनीरी भी बना सकते हैं। मेरी आपसे राय ये है कि सजेशन मैं जो आपको दूंगा वो ये है कि आप इसको सीडलिंग ट्रे में ट्राई करें, या सीडलिंग ट्रे नहीं तो खुली जगह पे ट्राई करें, ताकि एक पौधे को मट्टी से अलग करने में इजी रहे, मट्टी समेत उसको पकड़ें और बड़ी जगह पे लगा दें। जो होते हैं पनीरी वाले पौधे उनको आप मट्टी झाड़ के भी लगा देंगे, जड़ें निकल भी आएंगे, उनको लगा देंगे उनको कोई असर नहीं होगा। इनकी जड़ों के ऊपर से मट्टी अगर जड़ेगी तो ये एक दफा अच्छा खासा स्ट्रेस में आ जाते हैं और पौधे की वो वाली ग्रोथ नहीं रहती। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आप इन बीजों को इजीली लगा सकते हैं। 13 किस्म के यार बीज हैं, आप इजीली लगाएं, खुल ढुल के लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।